अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा दूं, इस पर पूरा डेमो आपको पता चल जाएगा। इसमें टोटल ना 6 चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पास फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो सोक होगा, जिसके अंदर हमें डिपिंग करनी है। इस सोक के साथ फिर वाटर में हम और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ये गोल्ड का सोक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो आपको मैं बता दूँ, करने का तो तरीका आप देख लेंगे। और सेकेंड स्टेप हमारा जो है वो स्क्रब है, ठीक है। सेकंड स्टेप स्क्रब है, थर्ड स्टेप हमारा जो है वो बाम है, ठीक है, और फोर्थ स्टेप हमारा जो है वो मास्क है, ठीक है। इसमें स्टेप नंबर 4 लिखा हुआ। ये 4 स्टेप हमारे हो गए, और इसके अलावा 2 चीज़ें जो हैं वो हमारा, एक ऑक्सीडाइज़र है, ठीक है, और एक हमारा जो है रेडिएंट पाउडर है गोल्ड का, जो आपको कंप्लीट ग्लो देता है हैंड फीट पे। इन दोनों को मिक्स करके हम पॉलिशर बनाएंगे। पॉलिशर का स्टेप हम स्क्रब के बाद करेंगे, ठीक है, और इस बाम से पहले करेंगे, स्क्रब के बाद और बाम से पहले, और लास्ट में हम मास्क लगाएंगे। ये इसका टोटल मेथड है। अब करने का तरीका शुरू करते हैं। और ये इसकी तकरीबन 200 ग्राम की पैकिंग है, जो डिलीवरी के साथ आपको 2500 में आपके घर पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये वाइटनिंग नहीं है, गोल्ड है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये हमारी अभी लॉन्चिंग है, इसलिए आप इसको ट्राई करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी रिजल्ट्स कैसे हैं, ठीक। भी हम बाथ सोप में अपना गोल्ड का जो फर्स्ट स्टेप है सोप का, उसको पंप के थ्रू डालेंगे और इसका अच्छा सा झाग बना लेंगे। झाग बना के इसके अंदर हम अपना क्लाइंट का जो फीट है उसको डिप करेंगे 8 से 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद डिपिंग के बाद आपने जो करना है वो भी देख लें। अपने सोक के अंदर अपने फीट को जो है वो डिप करवा दिया है। अब इसको हम 8 से 10 मिनट डिपिंग करेंगे, उसके बाद पेडीक्योर का तरीका शुरू होगा कि किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बिफोर फीट भी दिखा दूँ कि क्या लुक है इसका, और इसके बाद मैं आपको आफ्टर भी इसका लुक दिखा दूँगी। डिपिंग हो गई है, इसके बाद हम अब फीट की जो है वो डेड स्किन रिमूव करेंगे, उसको आप देखें। इतनी लाइट पहले ही, मैंने कहा इतनी लाइट पहले ही, ये देखें इसकी सारी ये जो नीचे से डेड स्किन है ना, ये जो हमारा गोल्ड का सोक है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डली हुई हैं जो आपकी रफ और ड्राई स्किन को रिमूव करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से, जिसकी जितनी होगी अच्छे तरीके से इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि फीट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उधर हम फुट स्क्रबर से इसको रिमूव करते हैं, और जो ऊपर वाला हमारा होता है हिस्सा उसको हम स्क्रब से रिमूव करते हैं डेड स्किन को। पेडीक्योर में ये सबसे मेन पार्ट है जिसको आपको बहुत फोकस करके करना होता है, और जितनी भी क्लाइंट की एड़ियों के नीचे डेड स्किन, डेड सेल्स जितने भी होते हैं उन सबको हमने निकालना होता है। उसके बाद हम नेल्स पे आ जाएंगे। पुशर से हम अपनी नेल्स की जो डेड स्किन है उसको अप करके क्यूटिकल कटर से उसको कट करेंगे। अगर हमारे किसी क्लाइंट ने नेल्स को शेपिंग में देना है तो उसको हम नेल्स को थोड़ा सा ट्रिम करके शेप में देंगे, और उसके बाद फाइलर से अपने नेल्स की फाइलिंग करेंगे प्रॉपर।
ये भी हम आपको ज़रा एक शॉर्ट क्लास दे रहे हैं, तो उस पे आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। हम पहले एक फीट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा फीट हम बाद में करेंगे, लेकिन एक फीट करके और एक बिफोर और एक आफ्टर आपको ये रिजल्ट भी नज़र आ जाएगा कि एक ही बंदे पे हमने एक पे किया है और दूसरे पे नहीं किया, तो क्या आपको इफेक्ट मिला है। ये ऐसे क्यों आ रही है? स्क्रबर खोलो, स्क्रबर खोलो। अब ये हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रब। इसकी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत थोड़ा सा ये लगेगा, और ये 200 ml का पूरा जार है। इसमें तकरीबन आपके 150 पेडिक्योर हो सकते हैं, सिर्फ पेडिक्योर। और अगर 150 ml का, सॉरी, ये जार है, तो ये आपके 100 पेडिक्योर कर सकता है। ठीक है, उधर नेल्स की फाइलिंग चल रही है, इधर मैंने आपको स्क्रब बता दिया है। अब इसको हमने उंगली डाल के नहीं निकालना, कोई स्पैचुला या प्लास्टिक के चम्मच से इसमें से प्रोडक्ट निकालनी है, और एक स्मॉल क्वांटिटी का फीट पे मसाज करना है। ये देखें, इतना 1 ml के बराबर हमने लेना है, और ये काफ़ी है। इसका हम अब मसाज करेंगे 10 मिनट्स तक, ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। अब वो मसाज तो जाहिर सी बात है, तमाम सैलून वालों को पता है कि पेडीक्योर का मसाज कैसे किया जाता है। ये जस्ट एक प्रोडक्ट की इन्फो देनी थी इसके साथ। जाहिर सी बात है, आप लोगों को जो न्यू हैं, सीखना चाहते हैं, उनको पूरी एक क्लास देने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट की नॉलेज भी उनके पास होनी चाहिए। पहले हमने नीचे से डेड स्किन निकाली स्क्रबर के साथ, अब हम फीट के ऊपर से जो डेड स्किन है उसको निकालेंगे, ये जो हमारा गोल्ड का स्क्रबर है इसके साथ। स्क्रब के बाद, ये जो डिपिंग के बाद हमने स्क्रब का स्टेप करने के बाद, गोल्ड का जो हमारा ऑक्सीडाइज़र और रेडिएंट पाउडर है उसको मिक्स करके गोल्ड का एक पॉलिशर बनाना है फीट के लिए और हैंड्स के लिए। सेम टेक्निक हैंड्स पे भी होगी, सेम उसी तरीके से हाथों का किया जाएगा जिस तरीके से हम आपको पाँव का बता रहे हैं। अच्छा, स्क्रब के मसाज के वक्त आप लोग नुकल्स पे, हड्डियों के ऊपर जो डेड स्किन होती है उस पर अच्छी तरीके से अपने मसाज का स्टेप करें, ताकि आपकी जहाँ जहाँ फेडेड स्किन है या रिंकल्स हैं। मेन तो जो हमारा ये गोल्ड का पेडिक्योर है, ये हमारा फाइन लाइंस जो हमारे हाथ पाँव पे पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए ये हमारा गोल्ड का पेडिक्योर और मैनीक्योर हमने निकाला है। वाइटनिंग का तो देखें सभी ब्रांड में आ रहा है, लेकिन गोल्ड का किसी भी ब्रांड में अभी तक नहीं आया है। तो इसका हम प्रॉपर मसाज करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको पॉलिशर बनाने का तरीका बताएंगे। उसके बाद फिर पॉलिशर को 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसका जो फीट बाम है उसका मसाज करेंगे 10 मिनट, उसको फिर साफ़ करने के बाद उस पर हम मास्क लगा के छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ हमारा पेडिक्योर कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका मसाज चल रहा है। इसके मसाज के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा रेडिएंट पाउडर है मैनीपैडी का, ये इसका ऑक्सीडाइज़र है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके हमने पॉलिशर बनाना है स्क्रब के बाद। ये पाउडर और ऑक्सीडाइज़र, इसको हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है, अब हम इसको फीट पर अप्लाई करेंगे। इसकी बहुत हमने कम क्वांटिटी बनाई है, तो ये अभी ब्रश के साथ ही है। असल में ये अभी हम एक पाँव का कर रहे हैं, आप अगर दो पाँव का अपने हिसाब से, या अगर आपने साथ हाथों का भी करना हो, तो क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब इस पॉलिशर को लगा के हम लोग फीट को जो है वो 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट्स के बाद वॉश करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस पॉलिशर के बाद क्या रिज़ल्ट आया है।
ये गोल्ड का पॉलिशर है। 5 से 7 मिनट के बाद इसका हल्का सा मसाज करके इसको वॉश कर देंगे। अब हमारा ये वाला स्टेप है हैंड एंड फीट बाम, ठीक है। पॉलिशर बीच में हमने ऐड किया, उसके बाद ये हमारा स्टेप 3 है। अगर कोई विदाउट पॉलिशर करवाना चाहे तो आप विदाउट पॉलिशर भी कर सकते हैं। अब इसका बाम का हम 7 से 10 मिनट तक प्रॉपर मसाज देंगे फीट की रिलैक्सिंग के लिए। और जितने हमारे रफ एंड ड्राई पैचेस हैं उसमें हम इसका अच्छे से मसाज करेंगे। इसके बाद हमारा मास्क का स्टेप आएगा। मास्क को हम सिंपल वाटर या रोज़ वाटर के साथ एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे प्याली के अंदर और ब्रश से अप्लाई करेंगे। मास्क का पेस्ट बनाओ। ये इस प्याली के अंदर मैंने रोज़ वाटर डाला है। यहाँ पर ये हमारी मास्क की क्वांटिटी हमने इतनी ली है। रोज़ वाटर के साथ इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। एक तरफ हमारा मसाज चल रहा है, एक तरफ हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे फीट के लिए। और इस पेस्ट को मसाज करने के बाद मसाज क्रीम को हम वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको लगा देंगे और 10 मिनट के लिए फीट को छोड़ देंगे। ये हमारा जो है वो फीट मसाज चल रहा है। काफ़ी हद तक जो है पाँव साफ हो गए। अभी देखें मास्क लगा नहीं है, अभी एक पाँव पे हमने किया है और एक पे नहीं किया। ये आपके सामने दोनों पाँव का रिजल्ट, इस पाँव पे हुआ हुआ है, इस पाँव पे नहीं हुआ हुआ। डिपिंग हमने दोनों पाँव की करवाई थी, अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है दोनों का ना। अब इसके बाद आप मास्क के बाद भी रिज़ल्ट देख लीजिएगा। नेल पेंट लगा के हम एक पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट ड्राई होने के लिए हम 15 मिनट्स छोड़ देंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, अपने नेल्स की बफिंग वगैरह करेंगे या नेल पेंट जो भी जिस तरीके से आपने करना हो। ये हमारा यहाँ पर पेडिक्योर कंप्लीट हुआ है।